मैक्स गजाना ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे पास एक गाड़ी आई है पैशन गाड़ी, तो दोस्तों इसके अंदर एक प्रॉब्लम सडनली आया है। तो प्रॉब्लम किस तरह का दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इस गाड़ी का। दोस्तों जो किक है वो लॉक हो गया है, ठीक है दोस्तों। किक लॉक मतलब किक के ऊपर आप खड़े रहोगे फिर भी किक नहीं लगेगी, तो इस तरह का प्रॉब्लम आया। इस तरह से किक जाम हो गई, मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मैं चाबी ऑन करता हूँ और ये किक, मैं जितना भी जोर करूंगा दोस्तों ये किक नहीं लगेगी। दोस्तों मैं खड़ा रहता हूँ ऊपर फिर भी ये किक उसकी जगह से हिलती नहीं है। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम आया और गाड़ी के अंदर ऑयल बिल्कुल नया है, मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा क्योंकि ऑयल कंप्लीट है गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी हमारे पास टाइम टू टाइम रेगुलर सर्विस करने भी आती थी, तो इसके अंदर इंजन का कोई प्रॉब्लम नहीं था, सडनली ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है। तो अभी मैं आपको इसका क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और ये प्रॉब्लम दोस्तों ज्यादातर हीरो गाड़ी में, पैशन प्रो गाड़ी जो सेल्फ स्टार्ट आती है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो आज पैशन प्लस में आया ये प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस तरह का प्रॉब्लम है तो हम सबसे पहले दोस्तों गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करते हैं, और इंजन ऑयल सही होता है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका मैग्नेट खोलेंगे। ये मैग्नेट साइड है और मैग्नेट साइड से हम इसको पहले खोल देते हैं, और खोल के मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन सिचुएशन क्या है। तो पहले सबसे पहले मैं ये जो हमारी गियर पैडल रहता है वो, और ये जो कवर रहता है वो कवर निकाल देते हैं। कवर निकालने के लिए तीन बोल्ट रहते हैं, एक इधर और एक यहाँ पे, ठीक है, और इसका एक बोल्ट। तो तीन चार बोल्ट निकाल के हम इसको बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि सही में यहाँ से प्रॉब्लम है या नहीं। ओके गाइस, तो फाइनली मैग्नेट का जो कवर रहता है वो निकाल दिए, और अभी देखते हैं अंदर क्या पोजीशन हुई है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैग्नेट से कोई दिक्कत है। फिर भी हम ये मैग्नेट बाहर निकाल देते हैं। मैग्नेट निकालने के लिए आपको ये 14 नंबर का जो नट रहता है मैग्नेट का वो निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका अलग से स्पेशल कूलर आता है बाहर निकालने के लिए मैग्नेट से। तो दोस्तों ये गाड़ी अभी पहली बार खुल रही है, तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन खोल के हम देखते हैं अंदर कोई दिक्कत हुई या नहीं हुई है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये मैग्नेट रहा, और मैग्नेट में दिक्कत क्या हुई है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से जो मैग्नेट के ऊपर की ये पट्टी रहती है वो पत्ती यहाँ पे चिपक गई, उसके कारण दोस्तों ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी मैं अच्छे से एक बार इसको वॉश कर लेता हूँ ताकि ठीक से पता चले ये प्रॉब्लम क्यों हुआ। एक बार मैं पूरा खोल के अच्छे से वॉश कर लेता हूँ, और यहाँ पर नीचे की साइड दोस्तों ऑयल लीकेज है, साथ में दोस्तों पूरा खोल देते हैं और ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैग्नेट घिस गया है, उसकी जो पत्ती आती है दोस्तों वो कॉयल पे टच की है। अभी कॉयल को कितना डैमेज हुआ है वो तो दोस्तों गाड़ी चालू करने के बाद ही पता चलेगा, लाइट देती है या गाड़ी चालू होती है या नहीं होती। यहाँ से भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी टूटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से भी, तीनों साइड से ये टूट गई है कॉयल जो हमारी लाइट कॉयल रहती है। बाकी जो दोस्तों स्टार्टिंग कॉयल रहती है वो तो बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग कॉयल को कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, और फिर पता चलेगा प्रॉब्लम क्या हुई है। तो दोस्तों वॉश करने से पहले एक बार इसकी किक लगा के देख लेते हैं। तो भाई किक लगाओ तो इसके, ओके गाइस, तो किक बिल्कुल फ्री हो चुकी है,
मतलब प्रॉब्लम यही थी। ठीक है, तो अभी इसको साफ कर लेता हूँ और साफ करके देखते हैं क्या इसका जुगाड़ होता है। ओके गाइस, सो जो प्रॉपर तरीके से हमने इसको वॉश किया और जो कॉयल की मैं बात कर रहा था, मतलब जो मैग्नेट हमारा चिपक गया था वो इस कारण, दोस्तों ये कॉयल जो होती है वो इतना लंबा आता है टुकड़ा इसका, और वो सारे टुकड़े मतलब तीनों कॉयल के, एक दो और तीनों, जो लाइटिंग कॉयल रहती है, चार्जिंग कॉयल रहती है गाड़ी की, वो तीनों कॉयल्स के टुकड़े टूट गए। और वही टुकड़े दोस्तों जो हमारा मैग्नेट रहता है ये वाला, तो मैग्नेट के अंदर दोस्तों फंस गया था। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा घिसा हुआ दोस्तों, ठीक है, दो जगह पे घिसा हुआ है, मतलब उस जगह से टोटल चार टुकड़े आते हैं, एक दो यहाँ तीन एंड चार, तो चार में से इन दो में फंस गया था, जिसके कारण दोस्तों अब देख सकते हैं थोड़ा सा जो प्रॉपर तरीके से देखने जाओगे तो यहाँ तक घिसा हुआ है। ठीक है, इतना पोर्शन, तो ये पोर्शन घिसा हुआ है, तो मैंने पेपर लगा दिया है अच्छे से, मतलब सारी जगह पे। अभी मैं एक बार इसको वापस से फिट करना चाहता हूँ, क्योंकि फिट करके दोस्तों मैं एक बार चेक कर लेना चाहता हूँ कि कभी फिर से ये प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो मैग्नेट हमें चेंज करना पड़ेगा। साथ में दोस्तों इसकी जो कॉयल है, जो चार्जिंग कॉयल्स रहती है दोस्तों, वो चार्जिंग कॉयल्स के अंदर दोस्तों इसका काम क्या होता है कि बैटरी चार्ज करती है और गाड़ी में जो लाइट जलती है आगे की हेडलाइट, ये उसका काम करती है। ठीक है दोस्तों, जो गाड़ी में पावर जनरेट करती है, और जो प्लग पे जो हमारा प्लग इग्निशन प्लग रहता है, जो मतलब स्टार्टिंग में जब किक लगाते हैं और मेन कॉयल में जो प्लग पे करंट आता है दोस्तों, वो ये कॉयल काम करती है। ठीक है गाइस, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा के एक बार फिट करके चेक कर लेता हूँ किक सही लगती है या नहीं लगती। अगर जाम लगती है तो फिर हम सारी चीज़ें चेंज करेंगे, अगर नहीं लगती तो पार्टी को खर्चा बच जाएगा। अगर लगती भी है तो दोस्तों हमें दो चीज़ चेक करनी है, एक चार्जिंग बैटरी में होता है या नहीं होता, और लाइट अच्छी से जलती या नहीं जलती। अगर लाइट नहीं जलेगी तो फिर हमें ये तीनों कॉयल चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो एक बार मैं मैग्नेट लगा देता हूँ, मैग्नेट लगा के किक लगाते हैं। तो ये मैग्नेट घिसा हुआ है, जिसके कारण दोस्तों मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं बैठता है, क्योंकि निकालने में जितनी दिक्कत हुई थी ठीक वैसे लगाने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने एक बार गाड़ी पड़ी है स्प्लेंडर पुरानी, उसका मैग्नेट निकाला है दोस्तों। ठीक है, तो पैशन स्प्लेंडर सब में सेम ही मैग्नेट रहता है, और ये रहा उसका मैग्नेट दोस्तों। तो उसका मैग्नेट एक बार लगा के गाड़ी चालू कर लेते हैं, और चालू करने के बाद अगर मैग्नेट नया डालना पड़ा तो देख लेंगे। और साथ ही में दोस्तों एक बार चालू इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैग्नेट के साथ दोस्तों अगर जो ये डिस जो रहती है, ये प्लेट मतलब ये डिस नहीं डालनी पड़ी, तो फिर हम एक साथ दोनों चीज़ें ला सकते हैं। इसलिए एक बार इसको लगा देते हैं पहले, और गाड़ी का करंट, चार्जिंग बैटरी और लाइट सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस जो दूसरी गाड़ी का मैग्नेट था वो अच्छे से बैठ चुका है अभी, और अभी मैं चाबी लगा देता हूँ। चाबी लगा के एक बार भाई किक लगाओ, तो गाड़ी को चालू करते पहले चालू। ओके फाइन, गाड़ी दोस्तों गाड़ी चालू हो चुकी है, अब देख सकते हैं। और अभी भाई हेडलाइट कर दो इसकी। ओके, मतलब लाइट सही से वर्क कर रही है। अभी चेक करना है तो दोस्तों चार्जिंग ही इसका चेक करना है, कि गाड़ी का फायरिंग बहुत अच्छा है। गाड़ी मेरे ख्याल से कितना घूम चुकी है, तो गाड़ी बहुत घूम चुकी है दोस्तों, अब देख सकते हैं 80,000 घूम चुकी है गाड़ी, और फिर भी दोस्तों इसका जो इंजन है बिल्कुल सही है। तो अभी हम इसका बैटरी चार्जिंग चेक कर लेते हैं एक बार, और फिर बैटरी चार्जिंग सही होगा तो सिर्फ मैग्नेट ला के लगाना रहता है। तो गाइस गाड़ी चालू कर दी है, बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा 14 तक गई, मतलब
बैटरी चार्ज हो रही है, जैसे रेस देते हैं उस तरह से बैटरी चार्ज होती है। अभी मैं गाड़ी बंद करके, तो गाइज अभी गाड़ी बंद कर दी और मैं गाड़ी बंद करके आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो गाड़ी चालू करते थे तो हमारा वोल्टेज था दोस्तों वो करीबन 14 के आसपास आसपास निकलता था, और अभी 13.15 है। मतलब गाड़ी की बैटरी बिल्कुल चार्ज हो रही है, मतलब गाड़ी की लाइट भी सही वर्क कर रही है। तो उसका मतलब जो दोस्तों कॉइल से हमारे वो बिल्कुल सही पोजिशन है। तो हम क्या करेंगे फिलहाल दोस्तों, सिर्फ मैग्नेट डालेंगे और मैग्नेट डाल के इसका नया मैग्नेट डाल के गाड़ी को फिट कर देंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो मैं नया मैग्नेट ला देता हूँ और नया मैग्नेट कितने में पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और फिटिंग करके पूरा गाड़ी का कवर सारी चीज़ें फिटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसी इसका फायरिंग सही में। ये रहा नया मैग्नेट रोटर असेंबली, ठीक है। और ये दोस्तों डेंसो कंपनी का है, और ये हमारा जो पुराना था वो मैं देख लेता हूँ कौन सी कंपनी का। दोस्तों दो कंपनी सप्लाई में आते हैं, एक डेंसो एंड एक निपॉन। तो या दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी डेंसो का ही है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं निपॉन का लेने जाता था थोड़ा महंगा रहता था, उसकी MRP थी 841 रुपीज़, और इसकी है MRP 539, ठीक है। तो ये ओरिजिनल ही है दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट में अगर आप कंपनी से लेने जाओगे यही मैग्नेट तो थोड़ा सा महंगा रहता है, और बाहर से लेने जाओगे डायरेक्ट तो थोड़ा सस्ता रहता है। तो गाइज मैं इसको फटाफट से फिट कर देता हूँ इसके अंदर, और फिट करने के बाद गाड़ी चालू करते हैं। तो फाइनली गाइज गाड़ी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, और ये हमारा पुराना वाला है मैग्नेट। मतलब एक छोटी सी दिक्कत दोस्तों गाड़ी में इंजन में क्या नुकसान कर सकती है वो इससे पहले के वीडियो भी मैंने बताया था, ठीक है। तो अभी मैं गाड़ी आपको चालू करके दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, मतलब बहुत टाइट फायरिंग है गाड़ी का, और गाड़ी 80,000 घूम चुकी है फिर भी गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है, नए जैसी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी दोस्तों मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।